love cricket? Yeah. India-Pakistan match, who will win? India. हमारे यहाँ ड्यू तो कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पे फल है, चूना लगा रहे हैं, वो लग रहा है टूरिस्ट है। अस्सलाम दोस्तों, श्रीलंका के शहर कैंडी से आपको खुश आमदीद। अब हम ये बाहर रोड पे खड़े हैं और यहाँ से हमें टीम होटल जाना है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ सोर्सेज हैं कि आप यहाँ से अब टैक्सी भी करा सकते हैं, आप बस पे भी जा सकते हैं, टुक टुक पे भी जा सकते हैं, मगर पिक मी एक यहाँ पर है ऐप जिसके ज़रिए अब हमने टुक टुक ही मंगवाया, यानी रिक्शा ही मंगवाया, और फिर हम जाएंगे यहाँ से टीम होटल और आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि यहाँ पर बेसिकली ट्रैफिक का कैसे सिस्टम है और कैसे यहाँ पर ट्रैवलिंग वगैरह की जाती है। एक टूरिस्ट कंट्री माना जाता है श्रीलंका, और खासकर कैंडी इनका बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो अब हम आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं कि पाकिस्तान टीम का होटल एक्चुअली कैसा है और वहाँ पे भी क्या सिचुएशन है, और दूसरा ये कि हम यहाँ से जब ट्रैवल करेंगे तो रस्ते में जो चीज़ें वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये टुक टुक आ गया है और ये रिक्शा ही है, एग्जैक्टली वैसे एक कर्टन लगाए हुए इन्होंने कि आपको धूल मट्टी वगैरह ना पड़े, कि टुक टुक का चलते हैं हम इस पर। तो दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू हो गया है। ये मेरे साथ बेले मुंडे पिछले 2 माह से श्रीलंका में रुके हुए हैं। ये श्रीलंका के जो ड्राइवर है टुक टुक को चला रहे हैं, इनको हम बताने वाले हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम इंडिया से हैं। फिर इनसे पूछते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच में कौन जीतेगा। ए मैन, यू लव क्रिकेट? या। इंडिया पाकिस्तान मैच, हु विल विन? इंडिया। दोस्तों, श्रीलंका में रोड साइड की खूबसूरती दो चीज़ें हैं, एक है इनकी ग्रीनरी और दूसरा पाइनएप्पल। हम रुकेंगे कहीं पर रोड पर जहाँ पर पाइनएप्पल लगे होंगे, हम पाइनएप्पल खाएंगे, क्योंकि पाइनएप्पल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और खास चीज़ बहुत मज़े के भी होते हैं, जूसी पाइनएप्पल। तो दोस्तों, ये पाइनएप्पल आ गए, पाइनएप्पल लेते हैं। दोस्तों, हम ये एक ठेले पे रुके हैं जहाँ पर ये पाइनएप्पल लगे हैं, बनाना है और साथ में वाटरमेलन भी है, तरबूज भी है। तो हम पाइनएप्पल लेते हैं, इनसे प्राइस भी बताते हैं कि क्या है यहाँ पर, और ये फल का आप स्टोर देखें, ये रोड साइड पे आपको मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आएंगे। ये तीनों हैं, सेब, अनार, ये रहे तरबूज। स्क्रीन पे शायद ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, मैं क्लोज बना रहा हूँ, लेकिन छोटे छोटे हैं। दोस्तों, ये खास फल है यहाँ पे, और मज़े की बात है ये खाने के लिए नहीं है, ये पीने के लिए है। We have to drink it, not to eat, right? Oh, It's tasty. Cool water, right? दोस्तों, लेने हम पाइनएप्पल आए थे, वो भी लेंगे, मगर ये what's his name? Dew. हमारे यहाँ ड्यू तो कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पे फल है, और कहते हैं बहुत ठंडा है, वैसे भी ठंडा है, लेकिन कहते हैं इसका पानी बहुत ठंडा है, यानी इसकी तासीर बहुत ठंडी है। ये भी लेते हैं, पाइनएप्पल भी। Nothing to drink, it's to eat only. कह रहे इसको अगर आप जूसर में डाल के इसको बनाएं तो तब इसका प्रॉपर शेक बनता है। Okay. मजे का है? Different है। थोड़ा खट्टा इमली टाइप का ना, मतलब मजे का है। मुझे समझ आई थी जूस कह रहा, क्या वो जूस ही रहा था, मगर वो कह रहा कि इसको आप फिर शेक टाइप बनाएं, लाइक पानी डालें फिर शेक करें। कह रहे इसमें शुगर डाल के ना, शुगर डाल के कोकोनट का पानी डालकर ये शेक बनाए तो टेस्टी बनेगा। खट्टा है इमली टाइप का, लेकिन इसीलिए जब शुगर और कोकोनट ऐड होगा डेफिनेटली एक नया टेस्ट बनेगा, खट्टा मीठा बनेगा मगर मज़े का होगा। तो ये एक नया फल हमने दरियाफ्त किया श्रीलंका में, फिलहाल हम अपना पाइनएप्पल लेते हैं। तो ये हमने लिया पाइनएप्पल, बस प्राइस किलो How much? 850. कॉस्टली 850। चूना लगा रहे हैं, वो लग रहा है टूरिस्ट है, लेकिन वो ये नहीं पता मैं 4 बार आया हूँ। ये 150-200 का मिलता है या 850 का दे रहे हैं। लास्ट टाइम वी बॉट इट 200। बस स्टिल इज कॉस्टली मैन। 500। ओके 700। 750 होगी। ओके ओके कट एक, ये हमें महंगा बेच रहे हैं, लेकिन हमें चूंकि खाना है इसलिए ले रहे हैं। ओके दोस्तों, ये पाइनएप्पल कटवाने लगे हैं हम, और जिस तरीके से काटते हैं बड़ा मज़े का है, क्योंकि इनका यहाँ का फल है ये, इनको काटना आता है, हम सही से काट नहीं पाएंगे। छुरी बड़ी मज़े की। नाइफ शो मी नाइफ।
नाइस। श्रीलंका में मैं 4 टाइम आया हूँ, पाइनएप्पल मैं ऑलमोस्ट डेली खाता हूँ। दोस्तों ये तरीका देखें, जिस तरह गैस को या किसी भी चीज़ को जब देते हैं ना, चीज़ ग्रहण करते हैं तो हाथ के ऊपर, कोहनी के ऊपर हाथ रखते हैं, यानी एहतरामन इस तरह से करते हैं, अच्छी चीज़ है। दोस्तों पाइनएप्पल हमने ले लिया है, अब हम चलते हैं आगे टीम होटल की तरफ जहाँ पे एक्चुअली हमें जाना है। मेरा पाइनएप्पल कहाँ है? खत्म हो गया। कितनी पड़ गई मेरे पाइनएप्पल में? पाइनएप्पल कहाँ है? वाकई खत्म हो गया। ये देखिए मुल्ला साहब जो है ये पीडीएम बन गया हमारे पाइनएप्पल के ऊपर। दोस्तों पाइनएप्पल की ब्रेक के बाद फिर से हमारा सफ़र शुरू हो गया टीम होटल की तरफ, जहाँ से भी गुजरेंगे ग्रीनरी है और ख़ासकर कैंडी में तो आपको मिलेगी मिलेगी। और जहाँ मैच है कैंडी के बिल्कुल पास है पाले किले। पाले किले को मैं जब 2011 में आया था तो मैंने पाले किले का नाम इस तरह से याद किया था, पाले केले यानी बनाना, केले मीन बनाना डाले, इस तरह से मैंने इसको याद किया था पाले किले। तो दोस्तों हम टीम होटल पहुँच गए, अब आपको दिखाते हैं टीम होटल और बताते हैं कि आज इसकी एक्टिविटी क्या है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान टीम होटल है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और इसकी खास बात यहाँ की लोकेशन है। यहाँ पर पाकिस्तान टीम ठहरी है और बाकी टीमें ठहरी हुई हैं, और कोर्स इंडिया की टीम यहाँ पर नहीं है। और ये होटल आप देख सकते हैं, ये है एक्चुअली, ये आपको नज़र आ रही होगी पाकिस्तान टीम की बस जो है। और यहाँ पर आप देखिए, ये मैं आपको बैरूनी जो है वो दिखा रहा हूँ, और अंदर जाके भी दिखाते हैं कि किस टाइप का होटल है। थोड़ा क्लाउडी वेदर हुआ हुआ है मगर बहुत खूबसूरत वेदर है। खास बात कहने की ये है कि यहाँ पर आपको हर तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी, आप देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको तो ये इसके सराउंडिंग्स हैं एक्चुअली होटल की, और बहुत ही खूबसूरत होटल है। और ये स्टेडियम से बनिस्बत इंडियन होटल के ये थोड़ा दूर है। इंडिया का जो होटल है वो 7-8 किलोमीटर दूर है, मगर ये जो होटल है ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर बाकी टीमें भी ठहरी हुई हैं, और मुझे फ्लैग देख सकते हैं एशिया कप के रास्ते से यहाँ पर हमें कच्चे इंडिया का फ्लैग है, मगर टीम इंडिया यहाँ पर नहीं ठहरी है। अब हम चलते हैं होटल के अंदर और आपको दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट के रूम्स एक्चुअली कैसे हैं, और ये होटल एक्चुअली इसकी प्राइस क्या है, और किस तरह से अंदर से निकल। दोस्तों ये पाकिस्तान टीम की, ये आप देख सकते हैं व्यू, जो एक्सटर्नल व्यू है वो इस तरह से है। दोस्तों ये पाकिस्तान टीम होटल हम पहुंच गए अंदर, और ये है होटल। आज फ़िलहाल यहाँ पे आपको क्रिकेटर्स कोई नज़र इसलिए नहीं आ रहे होंगे, ये लॉबी है, क्योंकि जुमे का टाइम है, हम भी नमाज़ पढ़ने लगे हैं और क्रिकेटर्स भी। आज हमें उम्मीद थी कि शायद किसी मस्जिद में जाके पढ़ेंगे, मगर अमूमन ऐसा ही होता है कि होटल के अंदर जो हॉल मिला होता है क्रिकेटर्स को, वहीं पे ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान टीम जो है वो आज यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही है, और तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ से फिर स्टेडियम के लिए रवाना हो जाएगी, जहाँ पर पाकिस्तान टीम को एक रोज़ ही मिला है कैंडी में ट्रेनिंग करने के लिए। और यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद ऑफकोर्स वापस टीम यहाँ पर आएगी, और फिर कल पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा।